आपको ये खिलौने कहाँ से मिले, मतलब आपने कहाँ से खरीदे? कौन बेचा था ये खिलौने? कोई लड़की थी क्या, जवान लड़की थी? मेरी लाइन कंप्लीट हो, ऑर्डर कहाँ पर है ये मेला? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? क्या हम ऑटो से मिल सकते हैं? वैसे दूंगा तो लोग हैं ऑर्डर। थैंक यू। पहली बार एहसास हो रहा है कि जिम्मेदार है लड़का। हाँ, पहली बार एहसास हो रहा है क्योंकि वो हमेशा लापरवाही करता था, तो लेकिन अब चीज़ों को समझने लगा है और उसके कहने से थोड़ा थोड़ा काम करने लगा है, तो समथिंग गोइंग ऑन, कुछ कुछ शायद है जो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, सौम्या की वजह से, अदरवाइज तो मेरी बात सुनता ही कहाँ है, मैं बोलती कुछ हूँ करता कुछ है, चार बहाने पहले तैयार होते हैं। आपको हाँ, वो पहले से वैसे अच्छी लड़की लगी है और जिसके आने से बहुत खुशियाँ आई घर में, चीज़ें अच्छी होने लगी, जो भी पनौती थी वो थोड़ी थोड़ी दूर होने लगी, और वो बहुत ही जिम्मेदार लड़की है, घर के काम संभाल लेती है, जैसे आज तक मैं हमेशा खुद ही करती आई हूँ, लेकिन अभी कोई हाथ बटाने वाला है। तो एक हर माँ अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहती है जो बेटे का भी ख्याल रखे, साथ में परिवार का भी ख्याल रखे और काम में भी हाथ बटाए। लक की बात है तो आज इतनी लकी है, उनके हाथों से खिलौने दिए जा रहे हैं कि जाओ, मतलब वो। हाँ, क्योंकि ना हमेशा जब जब उसने जिस भी काम में हाथ डाला है, पहले उसने खिलौने बेचे बाजार में जा जाके या पार्क में जाके बच्चों को, तो वहाँ से बिक्री स्टार्ट हो गई, ज़्यादा बिक्री हो गई, हमने कर्जा चुकाना शुरू कर दिया और फिर उसने खुद से खिलौने बनाए तो वो और ज़्यादा बिक्री हो गई। तो ऐसे लगता है कि वो जिस भी काम में हाथ लगाएगी ना, वो शुभ ही होगा। तो इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि हर काम में, कोई भी काम शुरू करने से पहले वो अपना हाथ लगाए। जानना चाहिए कि माँ का जो दिल है वो तो पहले से सौम्या पर आया हुआ है कि अच्छी है वो, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि समीर भी थोड़ा उसकी अदाओं पर फिदा होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि बेटे को शायद ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं वो लड़की ठीक है, उसके आने से घर में खुशी आ गई, माँ भी बहुत खुश रहने लगी है और उसको कोई समझाने वाला है। अब तक उसे कोई मार्गदर्शक नहीं था उसका, क्योंकि पापा नहीं है और मैं हमेशा शायद कामों में ही बिजी रही हूँ, तो कभी ध्यान नहीं दिया उस तरफ। तो वो उसको समझाती है, चीज़ें सिखाती है, तो उसे भी लग रहा है कि नहीं, ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसा ही लाइफ पार्टनर होना चाहिए। Okay, लास्टली जानना चाहेंगे कि पहले जो टोकरी सौम्या के हाथों से बिछाई गई वो पूरी की पूरी टोकरी बिक गई और बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है, ये मतलब अचानक कैसा? क्योंकि उसकी किस्मत शायद उसका साथ देती है बहुत, वो बहुत ही किस्मत वाली है, जिसकी वजह से, उसकी किस्मत की वजह से हमारे सितारे बुलंद हो रहे हैं। थैंक यू। और उसका स्वाद तो तुम्हारी चाहिए।
सो बेटा ख्वाब भी देता रहेगा या उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करेगा? जा दुकान पे जाओ। ये समीर आ गया। करेक्ट, वेरी नाइस। एक्शन अलका जी, यहाँ पर क्या करते हैं आप? पैसे लेके रोलिंग एंड एक्शन। और हाँ, किसी ऐसे ढाबे पे मत ले जाना, किसी चिंदी दिल्ली पे, और किसी अच्छे होटल में लेके जाना सौम्या को खाना खिलाने, ठीक है बेटा? चलो, अरे वहां पे जाइए, हो गया, चलो माँ कर लेगी, चलो।